बात करने वाले हैं वाइब्रेशन के बारे में। धीरे धीरे हम उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके गेट के अंदर जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं न्यूमेरिकल, उनके जो भी कॉन्सेप्ट हैं हम उनको देखने वाले हैं। एक एक करके हम जितना भी डीप में जा सकते हैं उसके उसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको ले सकते हैं। मैं एक एक करके मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा और आप उन क्वेश्चंस को अडॉप्ट करने की कोशिश करें कि किस मेथड के थ्रू किस तरह के क्वेश्चंस हमसे होने वाले हैं। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ फ्रीक्वेंसी से। ये गेट के अंदर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं वो हैं हमारे फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम उसी से डील कर लेते हैं। सबसे पहले मैं डील करता हूँ कि फ्रीक्वेंसी है क्या एक्चुअली। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सा एक सिस्टम बना रहा हूँ, लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे मेरे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, जिसकी जो स्टिफनेस है मेरे पास वो है के। ठीक है, कोई भी मैंने एक स्प्रिंग ले ली जिसकी स्टिफनेस के है और मैं इसको ए पार्ट दे देता हूँ कि हमारा ए पार्ट है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट मैंने क्या किया कि मैंने इस स्प्रिंग पे एक मास अटैच करना है। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस स्प्रिंग पे मास अटैच करूंगा तो ये कुछ अपने प्लेस से डिस्प्लेस होगी और अज्यूम कर रहा हूं मैं कि जो डिफ्लेक्शन इस के स्टिफनेस की स्प्रिंग में आएगा दैट इज नथिंग बट डेल्टा एस टी। तो मैंने डेल्टा एस टी मान लिया डिफ्लेक्शन, ये हमारे पास हो गया डिफ्लेक्शन। नाउ अगर मैं इस पूरे पॉइंट को देखूं, इस मैं इसको अगर पॉइंट नंबर बी डाल देता हूं तो इसका जो फोर्स हमारे पास लगने वाला होगा एम का, वो लगने वाला होगा एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फर्स्ट थिंग। नाउ हमारी जो स्प्रिंग होती है उसका जो फोर्स, हम जब भी बात करते हैं फोर्स की, स्प्रिंग फोर्स, तो हमारे पास होता है स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग मल्टीप्लाई डेल्टा एस टी और डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है फोर्स स्प्रिंग के अंदर कितना है। ठीक है, जैसे ही मैंने एम मास को अटैच किया इस स्प्रिंग से तो एक फोर्स डेवलप होगा, वो होगा के स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग मल्टीप्लाई बाय द डिफ्लेक्शन, और डिफ्लेक्शन हमारे पास है डेल्टा एस टी। तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स जनरेट हुआ के डेल्टा एस टी। ठीक है, नाउ अगर मैं इसी चीज को और आगे लेकर के जाऊं, ठीक है, मैं ये यहां से ये कह सकता हूं कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है, ये मास इक्विलिब्रियम में है, तो मैं यहां से एक इक्वेशन जनरेट कर सकता हूं दैट इज नथिंग बट एम जी इज इक्वल टू के डेल्टा एस टी। जब भी इक्विलिब्रियम होगा डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स इक्वल होने वाले हैं, तो हमारे पास हो जाएगा के डेल्टा एस टी एम जी के इक्वल। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। नाउ अब मैंने क्या किया, इस मास एम को थोड़ा सा और डिस्प्लेस किया एक्स, मैंने थर्ड फिगर ले लिया, ये मेरे मास की न्यू पोजीशन है, और मैंने किया क्या है कि जो यहां से ये जो हमारी पहले की इक्विलिब्रियम पोजीशन थी उससे अब मैंने कैपिटल एक्स इसको डिस्प्लेस किया। जैसे ही कैपिटल एक्स डिस्प्लेस किया और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि यहां पे मेरी ये नेक्स्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में जनरेट होगा वो कितना होने वाला है, स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग तो सेम रहेगी, सो स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग मल्टीप्लाई कैपिटल एक्स प्लस डेल्टा एस टी टोटल डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन पहले था डेल्टा एस टी मल्टीप्लाई बाय के। अब क्योंकि एक्स डिस्प्लेस और हो चुकी है स्प्रिंग, टोटल फोर्स जनरेट हुआ के मल्टीप्लाई बाय द टोटल डिफ्लेक्शन, टोटल डिफ्लेक्शन है एक्स और डेल्टा एस टी पहले से है, सो एक्स प्लस डेल्टा एस टी। मास mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगी रहा है। अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है नहीं एक्चुअल में, ये डाउनवर्ड जो है मूव कर रहा है। जब डाउनवर्ड मूव किया हमने इसको, हम अज्यूम करते हैं एक्सेलरेशन जो है उस टाइम x डबल डॉट, मैं x को अगर डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूं x डॉट हमारे पास हो जाएगी वेलोसिटी, x डबल डॉट हमारे पास हो जाएगा एक्सेलरेशन। नाउ
ये एक्सेलरेशन हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हमने जो 11 12 के अंदर कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं उसके हिसाब से अगर मैं इस इक्वेशन को लिखना चाहूं तो जो टोटल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है दैट इज एम ए, और एम एक्सेलरेशन इज नथिंग बट एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू कितना फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड में फोर्स लग रहा है मेरे पास mg, ठीक है। ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन वो है kx प्लस डेल्टा st, बट ये अपवर्ड लग रहा है। मैंने डाउनवर्ड को अज्यूम कर लेता हूं मैं पॉजिटिव और अपवर्ड को मैं अज्यूम कर रहा हूं नेगेटिव, तो डाउनवर्ड के जितने भी फोर्सेस होने वाले हैं वो मैंने ले लिया पॉजिटिव, अपवर्ड को मैंने ले लिया नेगेटिव, सो दैट बिकम्स माइनस के एक्स प्लस डेल्टा एस टी, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट से अगर मैं देखूं एम जी के डेल्टा एस टी के इक्वल है, और इस इक्वेशन को अगर मैं और सॉल्व करूं तो हमारा बनेगा एम जी माइनस के एक्स मल्टीप्लाई के अंदर एंड दैट बिकम्स माइनस के डेल्टा एस टी। तो मैं ऐसे ये पता चला कि ये एम जी और के डेल्टा एस टी तो कैंसिल हो गए, क्योंकि ये कैंसिल हो गए तो हमारे पास बचा एम एक्स डबल डॉट इक्वल टू माइनस के एक्स, और मैं इसको लिख सकता हूं एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो। मैंने इसको यहां पे शिफ्ट किया और ये हो गया इक्वल टू जीरो, ये हमारी होगी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें स्प्रिंग मास सिस्टम की एक डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए थी जिसके थ्रू हम फ्रिक्वेंसी को इजिली कैलकुलेट कर सके। तो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो। नाउ ये इक्वेशन है हमारे पास सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम जो कि स्प्रिंग मास सिस्टम है हमारा विद फ्री वाइब्रेशन। नाउ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम क्योंकि ये जो मास है हमारा सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकता है। अगर मैं इसको एक्स डायरेक्शन बोलूं और ये मेरी वाई डायरेक्शन है तो ये ओनली वाई डायरेक्शन में मूव कर सकता है। This type of thing is nothing but single degree of freedom system. Now, free vibration का मतलब क्या हुआ? अगर मैं कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा हूं मास पर, ठीक है, एक्सटर्नल एजेंसी से कोई भी फोर्स अगर अप्लाई नहीं हो रहा है दैट इज नथिंग बट अ फ्री वाइब्रेशन। अगर तब वाइब्रेशन होगा तो फ्री वाइब्रेशन होगा। अगर मैंने कोई एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू फोर्स लगा दिया, मान लीजिए मैंने यहां पर एक फोर्स जनरेट किया एफ नॉट, ठीक है, तो mg भी लग रहा है और f नॉट भी लग रहा है, ठीक है, तो f नॉट मेरा एक्सटर्नल फोर्स है। और इस तरह की फोर्स जब किसी सिस्टम पे लगेंगे और वहां पे जो वाइब्रेशन जनरेट होगा दैट इज नथिंग बट द फोर्स वाइब्रेशन, ठीक है। ये केस हमारा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हमारा फ्री वाइब्रेशन का केस हम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई इक्वेशन। नाउ इस इक्वेशन को मैं अगर और ध्यान से देखूं तो अगर मैं इस m को डिवाइड कर लूं, अगर मैं इस m को और डिवाइड कर लेता हूं तो हमारे पास क्या बनेगा x डबल डॉट प्लस k बाय m इनटू x इज इक्वल टू जीरो, हमारे पास होगी ये इक्वेशन। और ये जो k बाय m है ना दैट इज नथिंग बट ओमेगा n स्क्वायर। ओमेगा n स्क्वायर मींस नेचुरल फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, ओमेगा को अपन हम फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं और n डिनोट कर रहा है नेचुरल फ्रीक्वेंसी को। और अगर मैं बात करूं ओमेगा एन क्या होगा तो ओमेगा एन हमारे पास हो जाएगा रूट ऑफ के बाय एम, तो हमें सबसे पहली चीज जो पता करनी थी कि फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में है क्या, तो हमारी हुई फ्रीक्वेंसी। हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो है एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू जीरो। नाउ हमने जैसे फ्रीक्वेंसी देखा, हमने इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आई दैट इज रूट k by m, इस m को हमने डाउनवर्ड भेज दिया दैट इज ओमेगा n स्क्वायर, तो हमारे पास होगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहली चीज मुझे देखने की इसका जो यूनिट है वो क्या होगा। हमारे पास जब भी हम रूट बाई के एम में इसको डील करते हैं तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी आती है हमारे पास आती है रेडियन पर सेकेंड में। हमारे पास तीन तरह की यूनिट होती है, अगर मैं इसे फर्स्ट यूनिट दूं, सेकेंड ओमेगा एन को लिखने का एक और तरीका है दैट ओमेगा एन इज इक्वल टू, अगर मुझे हर्ट्ज के अंदर चाहिए, ठीक है, तो मैं इस ओमेगा एन को 2 पाई से डिवाइड कर देता हूं। तो इस तरह का अगर कहीं भी लिखा हुआ है तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आती है उसको हम एफ से डिनोट कर देते हैं दैट इज नथिंग बट इन हर्ट्ज,
तो कई बार क्वेश्चन के अंदर रेडियन पर सेकेंड के अंदर क्वेश्चन आने के बाद, आंसर आने के बाद हमें उसे 2π से डिवाइड करना पड़ता है अगर हमें हर्ट्ज के अंदर यूनिट में पूछा हुआ है तो। थर्ड एक सिचुएशन और हो सकती है कि अगर हमसे सेकेंड्स के अंदर पूछ लिया टाइम पीरियड क्या है, तो टाइम पीरियड हमारे पास कितना हो जाएगा, इसका जस्ट रिवर्स, या तो मैं इसको लिख दूं 1/f और मैं इसको क्या लिख सकता हूं 2π/ωn, 2π/ωn। तो ये जो इसकी यूनिट जो बनेगी दैट इज सेकंड। नेक्स्ट केस की जो हम जो बात करने वाले हैं वो है एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड। पहले हमने स्प्रिंग मास सिस्टम देखा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी के 3 यूनिट्स कौन कौन से हो सकते हैं, हमने उसको डील किया। तो हम सेकेंड पॉइंट के अंदर डील कर रहे हैं कि अगर एक हमने एक सिंपल पेंडुलम ले लिया और पेंडुलम को लेट अस अज्यूम थीटा एंगल पे हमने जो है टर्न कराना है, थीटा एंगल पे अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो हमारा बॉब है, ये जो ये कॉन्सेंट्रेटेड मास है दैट इज नथिंग बट स्मॉल एम, ठीक है। ये जो हमारी रॉड है इसकी लेंथ हमारे पास मैंने ले ली स्मॉल एल, ठीक है ना। अगर मैं देखूं कि अगर मैं इसे थीटा एंगल पर शिफ्ट करूं तो टोटल मास जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा वो हमारे पास होगा स्मॉल एम जी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने इस पॉइंट को मान लिया है ओ, ठीक। जब भी इस तरह का कोई सिस्टम हो जहां पे एंगुलर डिफ्लेक्शन हो रहा हो या एंगुलर मोशन की हमारे बात हो रही हो, तो उस तरह के क्वेश्चंस के अंदर हमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब निकालनी होती है तो किस तरह का अप्रोच हम लगाने वाले हैं वो देखते हैं ना। अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं, मान लेता हूं कि ये जो थीटा है दैट इज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होने वाली है, मैं अज्यूम कर रहा हूं इस डिस्टेंस को कैपिटल एक्स, ठीक है। इस डिस्टेंस को अगर मैं इस आर्क को बहुत स्मॉल मान लूं, क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल मान रहा हूं, तो ये आर्क जो है वो बहुत स्मॉल होने वाली है और एक पैरेलल लाइन की तरह अगर काम करे, और इस पैरेलल लाइन की जो डिस्टेंस है मैं उसको एक्स जनरेट कर लेता हूं या एक्स मान लेता हूं, तो जो स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे हैं थीटा इज इक्वल टू और एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अगर मैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जाऊं तो मैं यहां से लिख सकता हूं थीटा इज इक्वल टू आर का हमारे पास है एक्स, क्योंकि मैंने इसे बहुत स्मॉल मान लिया है, और जो टोटल डिस्टेंस हमारे पास है जिसको मैं रेडियस बोलूं तो वो हमारे पास हो जाएगा एल, ये हमारे पास हो जाएगा आर्क दैट इज एक्स बाय एल, और एक्स की जो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी एल थीटा। हमारे पास यहां से एक्स की जो वैल्यू है वो आ गई फर्स्ट थिंग। Now, इस क्वेश्चन के अंदर हमें अप्लाई जो करना है वो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और मोमेंट इक्वेशन। मोमेंट हमें लेना है पॉइंट ओ से, तो मैं अगर इस mg को मोमेंट लूं इस पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में तो हमारे पास आएगा mg, और ओ की इससे डिस्टेंस है x, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, सो हो जाएगा mg इंटू x, और वो होगा हमारे पास इस डायरेक्शन में दैट इज क्लॉक वाइज डायरेक्शन, क्योंकि ये मूव करेगा इस डायरेक्शन में, तो ये हमारे पास हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। नाउ तो मैं अप्लाई करता हूं इस चीज को, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, आई इंटू थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू, नाउ आई मेरे पास है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया और थीटा डॉट मेरे पास है एंगुलर मोमेंटम। अगर थीटा मेरे पास है एंगल डिस्प्लेसमेंट, थीटा डॉट मेरे पास हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी, और थीटा डबल डॉट मेरे पास हो जाएगी एंगुलर एक्सेलरेशन। तो मल्टीप्लाई हमें करना है इन दोनों को, और सेकंड लॉ के हिसाब से मैं इस क्वेश्चन को डील कर रहा हूं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि आई मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय थीटा डबल डॉट, ठीक है। ये किसके इक्वल होने वाला है, मोमेंट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब जितने भी कंपोनेंट्स हैं हमारे पास फोर्सेस के लिए वो है mg ओनली यहां पे, तो mg को मूवमेंट लेना है विद रिस्पेक्ट टू ओ इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा, पर ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जबकि हमने जो डिस्प्लेसमेंट लिया है वो लिया है हमने काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमारे पास कितना होगा mg into x, बट क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें काउंटर क्लॉकवाइज चाहिए इसलिए मैंने यहां साइन ले लिया नेगेटिव।
ठीक है, एक्स को मैंने यहां से पुट कर दिया एल थीटा, तो ये मेरे पास वैल्यू जाएगी आई थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल थीटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, या तो मैं इस इक्वेशन को यहीं तक लिख दूं, ठीक है, या फिर मैं क्या कर सकता हूं कि जो आई है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इसकी वैल्यू रख देता हूं। अगर इस रॉड को मैं स्टिफ मान लू, इस मास को मैं कॉन्सेंट्रेटेड मान लू, तो जो आई की हमारे पास वैल्यू होती है वो होती है एम एल स्क्वायर। रिमेंबर दिस, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर होने वाला है। तो एम इंटू एल स्क्वायर अगर मैं इस वैल्यू के अंदर पुट करूंगा तो ये बनेगा एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल थीटा इज इक्वल टू जीरो, और m और l दोनों में कॉमन है तो मैंने वहां से निकाल दिया, हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन। तो जब भी हम पेंडुलम वाले केसेस की बात करेंगे तो हम इस तरह से डील करने वाले हैं, या एंगुलर मोशन की बात करेंगे तो हम इस तरह से डील करने वाले हैं। लेकिन जब भी हम लोग बात करेंगे सिंपल स्प्रिंग मास सिस्टम की, तो हमने जो पिछला केस देखा उस तरीके से हम डील करने वाले हैं। नाउ अब हम लोग डील करने वाले हैं रेलेज मेथड के अकॉर्डिंग, कि अगर रेलेज मेथड के थ्रू हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो किस तरीके से हमें डील करना पड़ेगा। नाउ रेलेज मेथड में रेलेज ने बोला है ये टोटल एनर्जी होती है हमारे पास, दैट इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो किसी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, या मैं उसको बोल दूं टोटल एनर्जी, वो हमारी होने वाली है कांस्टेंट। अगर मैं किसी भी सिस्टम की बात करूं, इधर हम बात कर लें स्प्रिंग मास सिस्टम की, और हम बात कर लें अगर एक सिंपल पेंडुलम की जो एंगुलर मोशन रखता हो, तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एनी केस में कांस्टेंट रहने वाली है। अगर हम बात करूं काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, काइनेटिक एनर्जी जब भी हम लोग बात करते हैं स्प्रिंग वगैरह के केस के अंदर या किसी और नॉर्मल केसेस के अंदर, तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर वेलोसिटी स्क्वायर, सो हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर वेलोसिटी एक्स डॉट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की हम बात करते हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वाइब्रेशन के अंदर एक्स से, वेलोसिटी को एक्स डॉट डिफरेंशिएट वन टाइम, और अगर वेलोसिटी को एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सेलरेशन आएगा, और एक्स डॉट इज नथिंग बट डिफरेंशिएट करेंगे तो बन जाएगा एक्स डबल डॉट दैट इज एक्सेलरेशन। तो सबसे पहली चीज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम एक्स डॉट एक्स स्क्वायर। नाउ ये तो है हमारा कि अगर लीनियर मोशन हो रहा हो, रेक्टिलीनियर मोशन की अगर हम बात करें, काइनेटिक एनर्जी हाफ आई थीटा डॉट स्क्वायर भी हो सकती है। अगर मैं इसी चीज को बात करूं रोटेशनल के लिए या फिर एंगुलर मोशन अगर हो रहा है, जब भी हम बात करेंगे रेक्टिलिनियर के बारे में तो हम बात करेंगे हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर से, जब भी हम बात करेंगे मोशन एंगुलर होने की तो आई थीटा डॉट स्क्वायर से हम बात करते हैं। जैसे यहां होता है मास रेक्टिलिनियर के अंदर, वही मास एंगुलर मोशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। जब हम बात करते हैं एक्स डॉट की दैट इज लीनियर वेलोसिटी, तो ये थीटा डॉट में कन्वर्ट हो जाता है दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। Now, उसके बाद हमारी पहली चीज हो गई काइनेटिक एनर्जी। नाउ व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो जब भी स्प्रिंग मास सिस्टम के अंदर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो दैट इज नथिंग बट हाफ के एक्स स्क्वायर, के इज द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग, कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं एक्स, सो हमारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। नाउ इस चीज से हम डील करते हैं यहां, टोटल एनर्जी रेलेज ने बोला कि टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो हमने देख लिया काइनेटिक एनर्जी की, अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारे पास, अगर मैं रेक्टिलिनियर केस ले रहा हूं तो हमारे पास जो थी हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस, जब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की दैट इज नथिंग बट हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, दैट एक्स इज सेम एक्स स्क्वायर Now, and that is constant. अगर मैं इस इक्वेशन को, अगर ये है टोटल एनर्जी, इस इक्वेशन को मैं एक बार डिफरेंशिएट करके देखूं, अगर डिफरेंशिएट करूं डी बाय डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं ऑफ टोटल एनर्जी,
हमारे पास नथिंग बट टाइम, ठीक है। तो जैसे मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टी सेकेंड्स में, तो हमारे पास हो जाएगा ये हाफ एम, तो एम रहने वाला है, एक्स डॉट का कितना हो जाएगा 2x डॉट, और एक्स डॉट दैट इज वेलोसिटी, उसका कितना हो जाएगा एक्स डबल डॉट और एक्सेलरेशन प्लस। ऐसे मैं हाफ के एक्स स्क्वायर का कर लेता हूं, ये हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर का 2x और x का x डॉट, दैट इज नथिंग बट 0। कांस्टेंट का इंटीग्रल डिफरेंशिएशन होता है 0। नाउ अगर मैं इसमें से देखूं तो हाफ कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, 0 में चला जाएगा। ऐसे 2x डॉट यहां पे है और 2x डॉट यहां पे है, तो ये भी कॉमन निकल के बाहर चला जाएगा। तो जो इक्वेशन हमारी बनेगी, जो हमारे पास चीजें बची हुई है, दैट इज यहां से बचेगा हमारे पास m, 2 और x डॉट बाहर जा चुके हैं तो यहां से बचेगा x डबल डॉट, प्लस k हाफ बाहर जा चुका है तो यहां से बचेगा k, 2 और x डॉट बाहर जा चुके हैं तो बचेगा x, ठीक है। और इस इक्वेशन को अगर मैं लिखूं तो हमारे पास आएगा एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। और यही इक्वेशन हमने देखी थी पहले वाले सिस्टम के अंदर, जब हम बात कर रहे थे लीनियर वाले में, दैट एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। और सेम इक्वेशन को अगर मैं अप्लाई करूं एंगुलर वाले में, एंगुलर मोशन जब भी हो रहा हूं, तो सेम इक्वेशन हमारे पास बनेगी एल एक्स डबल डॉट एल थीटा डबल डॉट प्लस जी थी एक्स थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से हमें ये पता चलता है कि जब भी हम रोटेशनल वाले में या रेक्टिलिनियर वाले में केसेस के अंदर रेलीज मेथड भी अप्लाई करते हैं, तो उसके थ्रू भी हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो इजीली निकलने वाली, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इसी के ऊपर हम दो चार क्वेश्चंस कर लेते हैं, गेट के ऊपर आए हुए।